नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। भोपाल, पिछले दो सालों से राजधानी भोपाल के नानके पेट्रोल पंप के सामने लगी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की प्रतिमा को सहमति से हटाया जा रहा है। इस प्रतिमा को लेकर विवाद चल रहा था। इससे पहले यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा लगी थी। रोड का नवीनीकरण के बाद यहां पर अर्जुन सिंह की प्रतिमा लगा दी गई थी, जिसका अनावरण चंद्रशेखर आजाद के पोते अमित आजाद ने नहीं होने दिया था। यह प्रतिमा कांग्रेस पार्टी की सहमति से हटाकर राजधानी भोपाल के व्यापम चौराहे पर लगाई जाएगी, जिसका अनावरण 5 नवंबर को पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक पीसी शर्मा के करकमलों से किया जाएगा। देखिए, हम सरकार के निर्णय का स्वागत करते हैं। संस्कृति बचाओ मंच ये मांग कर रहा था कि जब क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की यहाँ से प्रतिमा हटाकर विकास किया गया था, तो यहाँ पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जो कि सभी के मतलब प्रेरणा रहे हैं, उनकी प्रतिमा यहाँ पर क्यों लगाई गई। और ये कोर्ट में भी जो है इसका निर्णय हुआ और आज जो है यहाँ पर जो है प्रतिमा सभी के सहयोग से हटाई जा रही है, जिसका कि उनको उचित स्थान व्यापम चौराहे पर दिया जा रहा है। और हम शासन से ये मांग करते हैं कि पुनः यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को विराजित किया जाए। जी भाई साहब, आज ये प्रतिमा हटाई जा रही है, प्रतिमा पर विवाद था, तो क्या विवाद नहीं, विवाद जो था मूर्ति स्थापित का और अनावरण का था। तो हमारी मूर्ति स्थापित है, अनावरण के वजह से जब रोकी गई थी तो वो उस दिन से आज तक अनावरण के लिए रुकी हुई है। लेकिन चूंकि हमारी कांग्रेस पार्टी और हमारे परिवार के लोगों की सहमति से व्यापम चौराहे पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी की प्रतिमा को वहां ले जाकर के वहां पर स्थापित किया जा रहा है और 5 तारीख को उसको वहां पर अनावरण किया जाएगा, इस बात की जानकारी हमारे को पार्टी से दी गई है। इसलिए हमारा कोई ढंग का उसमें विरोध नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति इसमें कोई श्रेय ले रहा है तो उसके लिए हम जवाबदार नहीं है, सिर्फ सहमति से हटाई जा रही है, वो कोई राजनीतिक इशू नहीं है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।